बात हरियाणा की। हरियाणा के हिसार जिले में हांसी में पुलिस का अजीबोगरीब रूप देखने को मिला। दरअसल पुलिस की पीसीआर वैन के नीचे कुचले जाने से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। लेकिन पुलिस का गजब खेल ये देखिए कि पुलिस ने मामला दबाने के लिए इसे साधारण हादसा दिखाकर साबित कर दिया कि हादसा खंभे से बाइक टकरा जाने की वजह से हुआ। लेकिन मामले का असल सच तब सामने आया जब इस पूरे मामले से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया, जिसमें पुलिस की गाड़ी की टक्कर लगने से बाइक सवार युवक की मौत हुई साफ दिखाई दे रही है। और इसके बाद परिवार वालों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया और तब जाकर तीन पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज किया जा सका। हाँ जी, वो हमारे मेरा लड़का था, हंसी श्री राम की दुकान पर काम करता था और कल उसका मामा जी आया हुआ था, इसलिए वो घर आ रहा था और 5-6 बजे छुट्टी करके नजर आता हूँ की तैयारी थी। उसको पता लगे दिन में चाय पानी पिलाया था, उधर रुके भी थे दोपहर को, तो उसके पीछे पीसीआर लगी हुई थी पुलिस वाली। पुलिस है, चलान काट दो, कितना का काट दो, 10 का 20 का काट दो, लेकिन मारना तो नहीं चाहिए। मारा उसके बाद भी ना तो ये 302 SC एक्ट की मांग की है और 302 लगा के दो। मामला सामने आया है कि भाई पुलिस की गाड़ी से पीसीआर से और ये हादसा हुआ है। इसके अंदर ये बोल रहे हैं कि भाई हमने आंखों देखा है, जो सविता काजल है, कुलदीप है, इन्होंने बताया कि भाई हमने आंखों से देखा है और इसके ऊपर 302 लगनी चाहिए। हमने इसमें 302 और जो विक्टिम जो है ये जो एक्सपायर डिसीज्ड है ये SC ST कास्ट से बिलोंग करता है, तो उनकी मांग के अनुसार इसमें SC ST एक्ट लगा दिया है। अब आगे इसके फर्दर जो कार्रवाई होगी वो वेरिफिकेशन करने के बाद में जो भी बात सामने आएगी उसी के अकॉर्डिंग हम आगे कार्रवाई करते हैं। और रोहित हमारे संवाददाता इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद हैं। रोहित, अगर बात करें इस पूरे हादसे की, पुलिस कुछ और कह रही है, तस्वीरें कुछ और कह रही हैं, पीड़ित क्या कह रहे हैं, क्या है ताजा अपडेट अपने पास? देखिए आशीष, अगर इस पूरे मामले की बात कर ली जाए तो आपको बता दें कि जब ये हादसा हुआ है तो उस हादसे संबंध में एक सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आया है और उस फुटेज में साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि पुलिस की पीसीआर जो है वो उस युवक के ऊपर से गुजर जाती है, बेसुध होकर युवक गिरता है, उसके पास में एक पुलिसकर्मी भी पहुंचता है और बाद में उसे बेसुध हालत में ही अस्पताल पहुंचाया जाता है जहां पर चिकित्सक जो है उसे घोषित कर देते हैं। हालांकि इस पूरे प्रकरण से पहले की अगर कार्रवाई की बात करी जाए तो दिन भर जब पोस्टमार्टम की कार्रवाई हुई तो उसके बाद पुलिस यही इत्तफाकिया कार्रवाई अमल में लाने की बात कहते हुए तमाम परिजनों से सिग्नेचर करवाए गए थे, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया और कुछ प्रत्यक्षदर्शी जो है मौके पर सामने आए और उन्होंने पुलिस के समक्ष बताई कि हादसा ऐसे नहीं बल्कि पीसीआर के नीचे आने से हुआ है, तो उसके बाद लगातार जो है प्रशासन के ऊपर परिजनों ने दबाव बनाया, यहाँ तक कि उसके शव को रखकर भी जो है प्रदर्शन किया गया। उसके बाद पुलिस एक तरह से बैकफुट पर आई और इस पूरे प्रकरण को लेकर ना सिर्फ धारा 302 के साथ साथ SC ST एक्ट के तहत भी मुकदमा जो है वो पुलिस कर्मियों के खिलाफ दर्ज कर दिया गया है। क्या कह रहे हैं पुलिस के अधिकारी रोहित, कैसे न्याय मिलेगा पीड़ित परिवार को? देखिए, अगर इस पूरे प्रकरण की बात कर ली जाए तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि पहले जब ये हादसा हुआ तो हादसे के पीछे की वजह यही बताई जा रही है, लोगों के द्वारा यही चर्चा की जा रही है और परिजनों का भी यही कहना है कि युवक जो है किराने की दुकान पर काम करता था, बाइक लेकर वो गुजर रहा था, तो रास्ते में जब उसने देखा कि पुलिस की नाकेबंदी हुई है, चलान इत्यादि की प्रक्रिया, चलान इत्यादि काटने की प्रक्रिया चल रही है, तो युवक ने आनंद फानंद में बाइक को दौड़ा लिया और कहा यह जा रहा है कि पीछा करते हुए ये हादसा हुआ। हालांकि पुलिस की थ्योरी की अगर बात करी जाए तो स्टार्टिंग में पुलिस ये कह रही थी कि खंभे के साथ बाइक टकराया है, उस वजह से हादसा होने की वजह से उस युवक की मौत हुई है, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उस फुटेज में साफ तौर पर सब कुछ साफ दिख रहा है, दो सीसीटीवी कैमरे की अलग अलग एंगल जी, से बिल्कुल। लेकिन रोहित, जिस तरह का रवैया यहाँ पर उन पुलिस कर्मचारियों ने अपनाया, अगर सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आता तो वो लास्ट तक यही कहते कि हादसा गाड़ी खंभे से टकराने की वजह से हुआ है। लेकिन अब इस पूरे मामले में आप नजर बनाए रखें आगे, आखिर पुलिस प्रशासन के इस तरह के रवैये के बाद अब पीड़ित पक्ष को न्याय कैसे मिलेगा ये भी जानना अहम रहेगा। इस पर भी हम नजर बनाए रखेंगे और अपडेट लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास रोहित। और आपको बता दें कि बाइक सवार पुलिस की गाड़ी से कुचलकर हुई मौत के बाद लगातार यहां
कई तरह की बातें सामने आई पहले, और बाद में जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो पूरी बात स्पष्ट तौर पर खुलकर सामने आई और पता चला कि हादसा खंभे से टकराने की वजह से नहीं बल्कि पीसीआर के नीचे कुचले जाने की वजह से हुआ, जो कि चालान करने के लिए उसका पीछा कर रही थी।